नमस्कार आदाब अभिनंदन। ये सूट नहीं हुआ भाई लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी जो एवीएस वाली वीडियो थी ना, उसे बहुत अच्छा प्यार दिया है और उसमें 2 लाख से ज़्यादा व्यूज आए हैं। तो मैंने सोचा एक और वीडियो बनाता हूँ इन्फॉर्मेटिव। ये वीडियो है ऑयल कूलिंग, लिक्विड कूलिंग एंड एयर कूलिंग क्या होती है इसके ऊपर। तो अपन अब चलते हैं गैरेज पे, क्योंकि उधर सारी बाइक मिलेंगी और उधर बनाएगा अपना वीडियो। मेरे सब्सक्राइबर लोग पूछ रहे थे कि ये तीनों चीज़ क्या है लफड़ा इसका। तो अपन इधर से अब कल्टी मारते हैं और चलते हैं गैरेज पे। एक और बात, अभी मैं नई बाइक लेने वाला हूँ तो उसका नामकरण आप लोग करोगे। मैं तो सोच रहा हूँ उसका नाम रूपाली रख दूँ, क्योंकि रूपाली अच्छा नाम है। तो आप लोग भी बताना कमेंट में रूपाली कैसा नाम है, नहीं तो मैं जो आप लोग बोलोगे वो रखूँगा। थैंक यू सो मच व्यू देखने के लिए। बहुत मेहनत लगती है यार मिमिक्री करने में, गले पे बहुत जोर पड़ता है। तो अब सीधा चलते हैं गैरेज पे और वहाँ आपसे मिलते हैं और वीडियो कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोकेशन पे पहुँच गए हैं, तौशीब के गैरेज पे पहुँच गए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक गाड़ी है FZ एंड एक है पल्सर 220। तो FZ में एयर कूल है एंड पल्सर 220 में ऑयल कूलिंग है। वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ऑलराइट गाइस, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, बहुत सिंपल वे में आपको तीनों कूलिंग सिस्टम के बारे में समझाऊंगा। तो ये जो फिन्स बने हुए हैं ना, ये फिन्स आप देख रहे हो, ये फिन्स का काम होता है कि ज़्यादा एयर को अपने ऊपर ले, एयर इस पर आके टकराएगा और जितना एयर इस पर आके इसके सरफेस पर टकराएगा तो कूलिंग उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। और गाइस, जितने भी इंजन होते हैं बाइक्स के या कार के, उस इंजन में ऑयल होता है, इंजन ऑयल होता है, ताकि इंजन के अंदर फ्रिक्शन ना हो और वो घर्षण ना हो और इंजन ठंडा रहे। ये तो इसमें ये है एयर कूल सिस्टम पूरा, जो कि बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। हवा आके इस फिन से या धाड़ियाँ से टकराती और वह इंजन को ठंडा करती है। एक और बात गाइस, अगर इंजन ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो पानी की तरह पतला होने लगता है। अगर वो होने पे फिर इंजन डैमेज होने का ज़्यादा ख़तरा रहता है, इसीलिए इंजन ऑयल को भी ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम दी गई है। ऑलराइट गाइस, तो अब बात करते हैं दूसरी कूलिंग सिस्टम की, जो कि है ऑयल कूलिंग सिस्टम, जो कि इंडिया में सबसे पहले पल्सर ने दी थी, बजाज ने पल्सर 220 में। इसमें भी बहुत सिंपल सा फंडा है, 2 पाइप्स गए हुए हैं, एक छोटा सा रेडिएटर लगा हुआ है ऊपर। ये भी एयर से टकराती है, कांटेक्ट में आती है, एक तरफ से ऑयल जाती है इंजन ऑयल और दूसरी तरफ से वही इंजन ऑयल पूरे इंजन में रोटेट होती है और इंजन को ठंडा करती है। सेम रिपीटेशन होता रहता है, एक छोर से जाती है एक छोर से आती है और फिर इंजन में वो फ्रिक्शन को कम करती है और रेडिएटर से एयर को लेके फिर। ये भी बहुत सिंपल सा फंडा है, एक तरह से कह ले तो ये एयर कूल ही है, बट इसमें से दो ये चैम्बर्स बोल लो या पाइप बोल लो निकाल के एक नया सा कंसेप्ट दे दिया गया है, जो कि बजाज ने सबसे पहले दिया था। दोस्तों, ये ऑयल कूलिंग यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑयल कूल्ड। तो इसमें बहुत सिंपल सा फंडा, मैंने जैसा कि बताया, कुछ देर के लिए इंजन ऑयल इंजन से बाहर जाती है और कुछ देर वो रेडिएटर में रहती है और ठंडा होती है, फिर से इंजन में आती है और इंजन को ठंडा कर। ओके दोस्तों, तो अब बात करते हैं लिक्विड कूलिंग की, जो कि एयर कूल और ऑयल कूलिंग से बहुत आगे की चीज़ है, बहुत एडवांस चीज़ है। जैसा कि हम कार और ट्रक्स बसेस में देखते हैं, रेडिएटर लगे होते हैं हेवी इंजन्स को ठंडा करने के लिए, ठीक है, जो कि अब बाइक्स में भी आने लगे हैं। इसका ये टेक्नोलॉजी बहुत मतलब आगे की चीज़ है, इसमें इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, बिल्कुल अलग है। तो आइए जानते हैं इसको डिटेल में। लिक्विड कूलिंग सिस्टम अब तो डोमिनार में देख लो, R15 में देख लो, KTMs की सारी बाइक्स में देख लो, 200cc से ऊपर जितनी भी बाइक्स में आपको सब में मिल जाएंगे। तो लिक्विड कूलिंग काम कैसे करती है ये मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना कि इंजन्स में काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं, उसमें एरियाज बनाए जाते हैं जहाँ पे लिक्विड पास किया जा सके, पूरे लिक्विड को फ्लो किया जा सके।
लिक्विड तो पूरे इंजन में फ्लो होता रहता है, और कूलेंट क्या काम करता है ना, वो पूरी साड़ी की साड़ी इंजन की गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और लाता है रेडिएटर में। ठीक है, रेडिएटर में लाने के बाद वहाँ वो ठंडा होता है ऑयल, और फिर दूसरे पाइप के थ्रू वो जाता है इंजन में ठंडा होकर। ये पूरी प्रोसेस लगातार रिपीटेशन मोड में चलता रहता है। कूलेंट जो है गर्मी सोखता है, फिर बाहर निकालता है, फिर गर्मी सोखता है, फिर बाहर निकालता है, दूसरे पाइप से लाता है, इंजन को ठंडा रखता है। लिक्विड कूलिंग इंजन जो होते हैं थोड़े से महंगे होते हैं, क्योंकि इनमें अलग सा सेटअप होता है और इस पर खर्चा बढ़ता है। करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं देता रहूँ। थैंक यू सो मच अगेन फॉर द 200K व्यूज, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।